Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10, Chemistry, Carbonates Compound, Part 4. ठीक है? बहुत कर्ज करके मुझे ये बुक मिला, फिर भी वो मेरा बुक नहीं है, मेरा बुक खो गया है. So if you find my book, please give it back. ठीक है? And today we are going to discuss Homologous Series. ठीक है? तो देखो, Homologous Series क्या है? Homologous Series. Homologous series means a group of organic compounds या फिर a group of molecules जहाँ पे कुछ successive groups रहेगा. ठीक है? They will differ by a CH2 group. ठीक है? They will have the same chemical properties. जैसे पहले तो homologous series का definition लिख लो. यहाँ पे homologous series का definition लिखो. I am telling you the definition. और if you have SGM, you can write it from page number 225. क्या है? A homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which successive compound differ by CH2 group. ठीक है? याद नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? कोई टेंशन का बात नहीं, मैं समझा देता हूँ. क्या बोला? Homologous series एक group of organic compounds. ठीक है? कोई कोई organic compound मिलके एक group form करेगा. That उसका क्या होगा? Similar structure होगा and same chemical properties होगा. ठीक है? And the successive members of the homologous series will differ by CH2 group. ठीक है? CH2 group से वो differ करेगा. Okay? So homologous series का तो पहले definition लिख लोगे तुम, मैंने जो बोला, या फिर book से लिख लो. फिर एक examples देखो, यहाँ पे लिखना example of homologous series. Example of homologous सीरीज. ठीक है? देखो, पहले बात करते हैं हम लोग एल्केन्स का. हम लोग को अच्छा पार्ट 4 में आ गए हो. पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर ही यू कैन स्टेप फॉरवर्ड. ठीक है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2SN. और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2. राइट? तो तीनों में से फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन होता है इसका, मतलब CH4 होगा, n का वैल्यू 1 पुट करने से. देन C2H6 होगा, n का वैल्यू 2 पुट करने से मीथेन इथेन. प्रोपेन होगा C3H8, C4H10. ठीक है? मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन लास्ट क्लास में किया था हमको. अभी एल्कीन सीरीज का देखो, पहला मेंबर तो नहीं रहता है 1, सो 2 से स्टार्ट होगा. तो C2H4, C3H6, C4H8 एंड C5H10. ओके? अभी जो एल्काइन ग्रुप है उसमें क्या होगा? C2H2 to the 4, 4-2, 2. तो C2H2 था, ये तो था ना. हाँ, देन होगा C3H4, C4H6 और C5H8. ठीक है? ये था तुम्हारा मेंबर. तो अभी जो डेफिनेशन है उसको इसके साथ मिला के देखते हैं. क्या है? A homologous series is a group of organic compounds. Suppose ये है group of organic compounds. Suppose हम लोग मान लेते हैं alkane का बात. ठीक है? ये है group of 4 organic compounds. और भी हो सकता है, मैंने पकड़ लिया कि पहला 4 या फिर 5 लेते हैं. ठीक है? 4 लेते हैं. तो group of organic compound having similar structure. Similar structure मतलब क्या है? उसको हम लोग alkane क्यों बोलते हैं? पहले वो याद करो. Remember सब में क्या रहता है? सिर्फ single bond रहता है. इसमें सब में डबल बॉन्ड रहता है, इसमें सब में ट्रिपल बॉन्ड रहता है. ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको हम लोग सेम सिमिलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. ठीक है? एंड नंबर 2, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. देखो, ये अगर एल्केन के अंदर है मतलब क्या है? कुछ एक तो कॉमन प्रॉपर्टी होगा जो सब प्रॉपर्टीज सब एलिमेंट शो करेगा. राइट? ऐसे तुम अगर सोचो, मीथेन और इथेन का प्रॉपर्टीज तो कंप्लीटली अलग होगा. राइट? लेकिन इसके सीरीज में इसका ये चारों को एक साथ एक ग्रुप में रखने का रीजन क्या है? दे विल पोजेस सम सम के सम
सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको एक ग्रुप के अंदर रखा, राइट? तो सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव कंपाउंड्स मतलब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, यहाँ पे कार्बन है दो, मतलब कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। कार्बन हाइड्रोजन है चार, यहाँ पे है छह, मतलब CH2, राइट? सी यहाँ से देखो कार्बन टू से थ्री लेके मतलब एक कार्बन है, और सिक्स से लेके एट मतलब दो कार्बन है, राइट? थ्री से लेके फोर अगर देखोगे तो थ्री से लेके फोर कार्बन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन क्या है, एट से लेके टेन मतलब टू। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये एल्केन सीरीज में देखा। अभी एल्केन सीरीज में भी कोई सक्सेसिव ग्रुप देखो, सपोज ये तीन से लेके चार मतलब एक कार्बन ज्यादा है, छह से लेके आठ मतलब दो कार्बन ज्यादा है, राइट? कोई भी किसी में भी देखो, इसमें भी क्या होता है, CH2 ही होगा डिफरेंस, इसमें भी CH2 ही होगा डिफरेंस। एनी सक्सेसिव कंपाउंड यू चेक यू विल फाइंड कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, CH2 है, ठीक है? पहले के साथ थर्ड का नहीं, या फिर पहले के साथ फोर्थ का नहीं, कोई भी दो मतलब एडजेसेंट दो, बगल वाला इसके साथ ये वाला, या फिर इसके साथ ये वाला, ओके? नाउ क्लियर व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? दैट मींस एल्केन कैन बी कंसीडर्ड एज ए होमोलोगस सीरीज, alkene can be considered as a homologous series and alkyne can also be considered as a homologous series, ठीक है? तो ये है तुम्हारा examples of homologous series बोल के ये लिख लो, ठीक है? अभी आते हैं देखो characteristics of homologous series, this is very very important, ठीक है? ये exam में आना ही है, अगर दो mark का भी दिया है question तो तुमको लिखना पड़ेगा दो properties, ठीक है? So there are five property, I am going to discuss each and every one, अच्छे से सुनो, फिर copy में नेक्स्ट हेडिंग देना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बोल के पांच पॉइंट लिख लेना जो ब्लैक कलर का बोल्ड में है, ठीक है? पहले सुन लो अच्छे से, क्या है नंबर वन, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, है कि नहीं? ये अगर होमोलोगस सीरीज है उसका एक जनरल फार्मूला है, ये होमोलोगस सीरीज है तो इसका भी जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मतलब एन का वैल्यू पुट करने से तुमको अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, मतलब ये क्या है, जनरल फार्मूला, दिस ऑल्सो जनरल फॉर्मूला, राइट? तो ये है तुम्हारा होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि होमोलोगस सीरीज का मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट, एनी टू होमोलॉग्स डिफर बाय वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कोई भी, अच्छा अगर ये एक होमोलोगस सीरीज है तो ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हम लोग क्या बोलते हैं, एक होमोलॉग्स। तो होमोलॉग्स में क्या बोला कि दो होमोलॉग्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा, एक कार्बन एटम का डिफरेंस होगा, ठीक है, और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला ये। नंबर थ्री प्रॉपर्टी, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ टू एडजेसेंट होमोलॉग इज 14U। सपोज इसका अगर मास निकालते हैं CH4 का, कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास है 1, तो 1 into 4 मतलब 4 दैट इज 16। अगर इसका मास देखते हो C2H4 का, तो 12 2 का 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 6 है, तो 6 बन जाए 6 मतलब 30, ओके? C3H8 देखो ये क्या है, कार्बन 3 तो 3 12 जा 36 प्लस 8 तो क्या होगा 44। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब 30 माइनस 16 अगर करोगे तो क्या होगा 14 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो मतलब 44 माइनस 30 अगर करोगे तो क्या आएगा 14 आएगा। तो कोई भी दोनों होमोलॉग्स का मास अगर निकालते हो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा 14U, बिकॉज यू रिमेंबर हम लोगों ने किया था एटॉमिक मास यूनिट प्लस 9 पे जो मोल कॉन्सेप्ट में किया था यू का बात, ठीक है? मतलब मास को हम लोग जनरली ग्राम केजी में रिप्रेजेंट नहीं करते, यू एटॉमिक मास यूनिट पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू होमोलॉग्स, कोई भी तुम ले लो, मैंने एल्केन सीरीज में दिखाया। अभी तुम एल्काइन का अगर निकालोगे या फिर एल्किन का या फिर एल्काइन का कोई भी दो मास निकालो, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हमेशा 14U होगा, ठीक है? कैसे पता चलेगा, देखो सब में डिफरेंस क्या है, CH2 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसी में भी सब में क्या है, CH2 है। तो कार्बन क्या है, एक मतलब 12, हाइड्रोजन क्या है, दो मतलब 2, तो 14U, ओके?
समझ में आ रहा है? तो ये अगर 14 है तो हर एक क्या होगा, एक से एक का मास 14 14 करके बढ़ेगा। सो एज अ रिजल्ट कहीं पे भी दो अगर लो सक्सेसिव, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 14। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऑल कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ये डबल बॉन्ड है सब डबल बॉन्ड है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रिपल बॉन्ड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच इंक्रीजेस विद द मॉलिक्यूलर मास। अभी देखो जो ऊपर वाला है और उससे अगर तुम नीचे जाते हो, ठीक है, ऊपर वाला में मास क्या है, कम 16 था, नीचे वाले में मास 30 था, तीसरे वाले में मास 40, मतलब एज यू गो डाउन इन ए सीरीज मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ेगा, तो एज अ रिजल्ट मास भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे जब मास इंक्रीज होगा ना तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ग्रेजुअल चेंजेस आएगा। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसके थोड़ा ज्यादा होगा, इससे और ये थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब प्रॉपर्टी क्या रहेगा, प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा बट फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। ऊपर वाले में कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो उसका फिर बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। एज इट गोस डाउन नीचे जाने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो वो कॉपी में उठा लो, ओके, एंड नोट डाउन ऑन दिस। अभी देखो दो होमोलोगस सीरीज, दो सैंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, पेज नंबर 227 पे यू विल फाइंड टू क्वेश्चंस, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मैं दिखा देता हूं। सैंपल प्रॉब्लम 1 क्या बोला देखो क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। देखो एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है, CnH2n-2। तो ये क्या है पहले बताओ, एल्काइन है कि नहीं, एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला है, तो एल्काइन ग्रुप का थर्ड मेंबर और फिफ्थ मेंबर का नाम लिखने बोला, नाम ना, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नाम भी लिखो फॉर्मूला भी लिखो। ठीक है, तो थर्ड मेंबर क्या होगा बोलो, अगर वो एल्केन होता तो वो n इक्वल टू 3 लेता, बट सिंस इट इज एल्काइन तो मिथाइन तो एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने पहले ही बोला था, तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, मतलब n इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, तो n मतलब थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर का नाम पूछा ना, तो थर्ड मेंबर के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा बिकॉज वो इथाइन से स्टार्ट होता है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटेन, तो थर्ड मेंबर ब्यूटेन, मतलब n इक्वल टू 4, पुट कर दो यहां पे, तो n इक्वल टू 4 लेने से क्या होगा, C4H6 ये होगा तुम्हारा ब्यूटेन। ठीक है, ये है तुम्हारा ब्यूटाइन। और फिफ्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर मतलब पेंटेन नहीं होगा, पेंटाइन भी नहीं होगा, हेक्साइन होगा, राइट, बिकॉज फिफ्थ मेंबर मतलब क्या है, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू अगर 6 लेते हो तो क्या होगा, C6H10 वो होगा हेक्साइन, y n। ठीक है, सैंपल रूल 2 देखो क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो देखो यहां पे 3 है, C3H8 C3H6 C4H8 or C4H6, ओके। अभी देखो ये क्या होगा, ये कौन सा फॉर्मूला में सेटिस्फाई कर रहा है, 3 2 6 + 2 8, मतलब CnH2+2, मतलब ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है, एल्केन ग्रुप का मेंबर है, समझ में आया ना, 2n+2 का फॉर्म में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 3 2 6 + 2 8 C3H6 मतलब डबल है, 3 2 6, मतलब ये क्या होगा, एल्कीन ग्रुप का मेंबर होगा, और ये है C4H8 मतलब 4 2 8 होगा, ये हो जाएगा एल्काइन, एल्कीन, ये भी एल्कीन ही होगा क्योंकि ये डबल है CnH2, लेकिन ये क्या होगा,
4 2 जा 8 8 माइनस 2 करने से 6 मतलब ये एल्काइन ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम एक बार फॉर्म बना के देख लो एल्कीन एल्काइन और एल्काइन। तो बोला कि कौन सा दो सेम होमोलोगस सीरीज में आता है, तो ऑब्वियसली ये एल्केन है ये एल्काइन है तो अलग-अलग ग्रुप है, तो ये दोनों ही क्या होगा सेम होमोलोगस सीरीज में आएगा। तो क्या लिखोगे C3H6 एंड C4H8 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज एल्कीन। ठीक है लिख देना ये नीचे। ओके नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखो पहले तो इसका मीनिंग जान लो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तुम बताओ मुझे बिटवीन एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड व्हिच इज द लीस्ट रिएक्टिव। देखो एक चीज पहले क्लियर कर लो, बिटवीन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सबसे शांत है मतलब लीस्ट रिएक्टिव है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो देखो एल्केन एल्कीन और एल्काइन में एल्केन मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होगा सबसे सबसे नोबल होगा मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा राइट। लेकिन जो एल्कीन और एल्काइन है वो क्या करेगा रिएक्ट करेगा। सो टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन हम लोग क्या करते हैं एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। ठीक है हाइड्रोजन हटा के उसके जगह एक ग्रुप ऐड कर देते हैं एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया बात। एल्केन से एल्केन जो पहले फर्स्ट किया था हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे कुछ एक चीज लगा दिया वो क्या लगाया दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है एक ग्रुप ऑफ एटम्स हम लोग लगा देंगे उसमें सच दैट वो जो एल्केन अभी अलग से बिहेव करने लगेगा। कैसे जैसा तुम उसके उसके पीछे जैसा ग्रुप लगाओगे ग्रुप ऑफ एटम्स लगाओगे वैसा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होते जाएगा। बेसिकली एल्केन को रिएक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं। ठीक है तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप का नीचे फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिखो। देखो दैट यू विल फाइंड इन पेज नंबर 228 बोल्ड लेटर्स में लिखा है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम व्हिच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। कार्बन कंपाउंड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिएक्टिव बनाता है एंड डिसाइड्स इट्स फंक्शन और प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। उसका प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शन भी डिस्कस करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्लियर फंक्शनल ग्रुप समझ में आया। अभी मैं तुमको 7 नाम बोलूंगा उसका नाम तुम्हें हमें पहले याद कर लो। ठीक है फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 होता है हेलो ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप। हेलो ग्रुप ठीक है हेलो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉन्ड एक्स। ठीक है एंड एक्स कैन बी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है हम लोग लिखते कैसे हैं इसको फ्लोरो एफ एल यू ओ आर ओ। इसको कैसे लिखते हैं क्लोरो सी एच एल ओ आर ओ। ये कैसे लिखते हैं ब्रोमो और ये कैसे लिखते हैं आयोडो। ठीक है तो याद कैसे रखोगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये डबल बॉन्ड नहीं है एक्स इक्वल टू है। ठीक है मतलब एक्स का वैल्यू फ्लोरिन भी हो सकता है क्लोरिन भी हो सकता है कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है ये चार एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन ग्रुप हेलोजन एलिमेंट या फिर हेलो एलिमेंट मानते हैं। ठीक है हेलोजन बोलते हैं उसको। ओके तो ये है हेलोजन ग्रुप। नेक्स्ट इज योर अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल अल्कोहल ग्रुप्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड OH डोंट फॉरगेट टू राइट दिस बॉन्ड। ओके दैट इज बॉन्ड OH को हम लोग अल्कोहल मानते हैं और ये जो OL है उसको याद रखना OL। ठीक है क्यों याद रखना है I'll tell you that। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब डैश C डबल बॉन्ड O H ऐसा भी हो सकता है या और बॉन्ड CH। ठीक है बेसिकली CHO डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड करके दिखाया कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ओके और इसका AL है ना ये AL ये याद रखना AL। ठीक है नंबर 4 इज योर कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डैश यहाँ पे देखो एक साइड में बॉन्ड है यहाँ पे भी एक साइड यहाँ पे भी एक साइड यहाँ पे दो साइड पे ये ध्यान रखना और ये स्पेशल भी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ऐसे बॉन्ड दिखा के या फिर एक साथ सी और इसका ए क्या है इसमें ओ एन ई
इसको वन प्रोनाउंस नहीं करते हम लोग ओन बोल के प्रोनाउंस करते हैं. कैसा? ओन. ठीक है. नंबर फाइव इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या है? डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और डैश सी ओ ओ एच. ठीक है. ओ ओ एच ऐसे भी लिख सकते हैं दिखा के बॉन्ड कि ओ और ओ एच कैसा रहता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. ट्राई टू डू रिमेंबर दिस वे. ठीक है. ऐसा भी लिख सकते हो बट ऐसा भूलना मत, ऐसा भी लिखते हैं इसको. ठीक है. और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है और सी है, तो इसको लिखेंगे याद रखना ओइक एसिड. क्या है ये सब बाद में बोलूंगा, सिर्फ ये लिख के रखो अभी और लर्न कर लो. ये पांच है तुम्हारा मेन. ठीक है. और छह और सेवन, सिक्स और सेवन तुमने पहले ही किया था. एक है तुम्हारा एल्किन, मतलब डबल बॉन्ड इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी और ये. ठीक है. ये होगा इन ई एन, ये तो सिखाया पहले ही. और नंबर सेवन है एल्काइन वाई एन, तो ये क्या होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एक एक सिंगल बॉन्ड इस तरफ. इसका क्या है? वाई एन ई. ओके. तो हेलोजन, ये सात तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. हेलो हेलोजन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप. ठीक है. ऐसे करके विद सिंबल एंड दिस नेम्स यू रिमेंबर. ओके. नोट इट डाउन. अभी देखो हम लोग हेलो एल्किन से स्टार्ट करते हैं, मतलब हेलो ग्रुप और ये एल्किन सीरीज है तो उसको बोलते हैं हेलो एल्किन. ठीक है. जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों का. ठीक है. अच्छा, मैंने क्या बोला था? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जब हम लोग एक एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं. ठीक है. तो एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है? बोलो. एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है? मीथेन. ऑफ कोर्स. तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मीथेन का फॉर्मूला है सी एच फोर, मतलब चार तरफ एच दे दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. दिस इज द एल्केन. ठीक है. हेलो एल्किन मतलब क्या है? एक हेलोजन ग्रुप हम लोग ऐड करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप विदाउट बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम. तो एक यहाँ से हाइड्रोजन लगा हटा देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग सपोज क्लोरीन को लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे तो हम लोग एक्स लगाते हैं ना, बॉन्ड एक्स. तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या है? क्लोरीन है. ठीक है. ठीक है. तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा अभी? आईयूपीएससी. आईपीएससी नेम क्या होगा? यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है और ये है मीथेन, एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन. ओके. और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड. ओके. इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? और यहाँ पे कार्बन तीन है ना, तो शॉर्टकट भी लिख सकते हो ऐसे CH3CN. ठीक है. बट एक चीज ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप को फॉर क्लास 10 ऐसे याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम लोग एंड में रखेंगे. ठीक है. इट विल बी केप्ट एट द एंड. ठीक है. अच्छा, नंबर बी. अभी अगर हमने कार्बन को इंक्रीज कर दिया, पहले एक कार्बन था, अभी दो कार्बन लेंगे. एक दो कार्बन लिया और थर्ड वाले में लास्ट में क्या होगा? क्लोरीन को लगाया. ठीक है. तो हाइड्रोजन फिल अप करते हैं. एक गया तो H3, दो गया तो H2. ठीक है. तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? आईपीएससी नेम होगा क्लोरो. दो कार्बन है तो हो जाएगा इथेन. ओके. और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं, ये होगा इथाइल. इथाइल क्लोराइड. ओके. नंबर सी देखो, अगर कार्बन को इंक्रीज कर दिया अभी एक दो तीन, उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन. ठीक है. अभी एक चीज दिमाग में रखना. ठीक है. यहाँ पे ऐसे मत काउंट करना कि एक दो तीन तो ये प्रोपेन क्यों नहीं हुआ. हम लोग काउंट करते हैं ये जो मीथेन इथेन होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं, नॉट द क्लोरीन एटम. राइट.
तो ये दोनों ही होगा, ये दोनों के लिए ये इथेन होगा, ये कार्बन तो क्लोरीन है, मतलब ये तो कार्बन नहीं है क्लोरीन है, तो इसलिए क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीन कार्बन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा है, ठीक है। तो क्या होगा CH2, ये होगा CH3, तो इसका IUPAC नेम बताओ क्या होगा, ये क्लोरो और यहाँ पे कितना है मीथिल प्रो, तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा ये, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। नाउ तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या है, सेम चीज को करोगे फिर से, जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी Br, मतलब ब्रोमीन लेके करोगे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे Br होगा, यहाँ पे Br होगा, मतलब ABC तो इसको DEF करो, ठीक है, और क्लोरीन के जगह सिर्फ Br से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ब्रोमो मीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड हो जाएगा फिर, ब्रोमाइड डी, ठीक है, ब्रोमाइड MIDE, ये हो जाएगा क्लोरो, सॉरी क्लोरो के जगह हो जाएगा ब्रोमो इथेन या फिर इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो प्रोपेन या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे करके हैलोजन खत्म, ठीक है, ये सिर्फ छह नाम स्ट्रक्चर याद रखना है, बस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, ये तो था नंबर वन, चलो हैलोजन, नंबर टू था क्या, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के लिए हम लोगों को पता है कि वो OH था, राइट। अच्छा अभी अगर फर्स्ट मेंबर का नाम तुम लिखोगे एल्कोहल का, तो OH है, अभी सेम काम करेंगे, या तो CH8 होता है ना, तो हम लोग एक हाइड्रोजन उठा के क्या बिठा देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, तो यहाँ पे हो OH, या फिर हम लोग लिख सकते हैं और देखे CH3OH, राइट। फंक्शनल ग्रुप को देखा ना, इसमें भी लास्ट में रखा, इसमें भी लास्ट में ही रखेंगे, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन हटा के ये बिठा दिया। तो देखो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये याद रखना ओल, ये एक कार्बन होने से नाम क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन होता है ना, लेकिन ये अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप, तो ये ई हटा के OL लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम अभी बन जाएगा क्या, मिथानॉल, ये M लेके ई हटा देना लास्ट में और लास्ट में OL ऐड कर देना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अल्कोहल का OL चाहिए, वही OL लास्ट में बिठाएंगे, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा मिथानॉल, ठीक है। और कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, कॉमन नेम लिख लिख के जाना हर वक्त, ठीक है। अभी नंबर बी देखो, कार्बन कितना है, दो लेंगे अभी और लास्ट में OH लगा देते हैं ऑलरेडी, मैं ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो तुम बना लो, मैं डायरेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एक चला गया तो तीन हाथ, दो हाथ चला गया तो दो हाथ, राइट, तो CH3, CH2 और ये लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बोलो, IUPAC नेम ये है मीथ इथ, इथेन होना चाहिए था, इथेन होना चाहिए था, लेकिन ई हटा के OL आ जाएगा क्योंकि OH ग्रुप है लास्ट में, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या होगा, इथानॉल, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम भी क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। नंबर सी, एक दो तीन और लास्ट में OH लेते हैं, ठीक है, तीन कार्बन लिया फिर OH, अभी फिल अप करो H3 H2 H2, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपानॉल, क्योंकि ये मिथ इथ और प्रोप तीन कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए था, तो प्रोपानॉल हो जाएगा OL, ठीक है, OL अल्कोहल का लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप का सिर्फ ये याद रखो और ये तीन नाम याद रखने से एनफ, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पांच देगा या फिर चार देगा तो प्रोप के बाद क्या आएगा,
ब्यूट तो हो जाएगा ब्यूटानॉल, देन पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ऐसे करके आएगा। ठीक है, जस्ट याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा एंड में ऐड करना है। ठीक है, और आगे हाइड्रोजन से मतलब कार्बन को जैसे हम लोग किया था वैसे ही फिलअप कर लेना है। क्लियर दिस मच? ओके, उठा लो ये। अभी देखो दो सैंपल प्रॉब्लम है, वो छूट गया था सॉरी। सैंपल प्रॉब्लम वन क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला दिस। तो जनरल फॉर्मूला के लास्ट में देखो क्या है, OH है, मतलब क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। तो अल्कोहल ग्रुप का बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ मेंबर का नाम लिखने बोला, तीन तो कर दिया, फोर्थ और फिफ्थ क्या लोगे, एक यहां पे कार्बन एटम इंक्रीज करोगे, नेक्स्ट में और एक कार्बन एटम इंक्रीज करोगे, तो वैसे नाम लिख लो। बेसिकली तुमको डी और ई नंबर ही करना है, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर। ठीक है, कर पाओगे ये? ओके, अभी क्या बोला, सैंपल वाले को वो तो घर पे कर लेना, ठीक है, दोनों का मास निकालने बोला और उसका डिफरेंस निकालने बोला। ठीक है, मतलब याद रखना ये जो फंक्शनल ग्रुप भी है ना, अल्कोहल हो या फिर उसके पहले क्या कहते हैं, हेलोएल्केन भी किया था, सब क्या है, होमोलोगस सीरीज ही है। ठीक है, मतलब अगर अल्कोहल सीरीज में तुम देखोगे सबका मासेस जब निकालोगे उनका भी डिफरेंस क्या होगा, 14 में होगा। ठीक है, तो वही तुम्हें चेक करने के लिए बोल। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नंबर 3, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, या फिर डैश सी एच वो भी लिख सकते हो। तो देखो ये तो चलो फंक्शनल ग्रुप है ही ऑलरेडी, अभी यहाँ पे हम लोगों को फिलअप करना है ना, फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में रखा तो यहाँ पे फिलअप करना है। तो पहले जो देखो इसमें किया था, एल्कोहल में डैश ओ एच था पहले से, हम लोगों ने कार्बोनिक लिखा दिया और उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन फिलअप किया। लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी एक कार्बन है, राइट, तो हम लोगों को कार्बन अगर और एक यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो दो कार्बन हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर तो हमेशा कार्बन एक ही रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम लोग इससे फिलअप करेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, वी विल फिल इट अप विद हाइड्रोजन, समझ में आया बाबा, हाइड्रोजन से फिलअप क्यों करेंगे, बिकॉज कार्बन एटम ऑलरेडी एक है, मतलब यही तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, राइट, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देते हो तभी वो सेटिस्फाई करेगा, अगर कार्बन देते हो वो कार्बन दो हो जाएगा, मतलब वो सेकेंड वाले में करेंगे। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड का मैंने क्या याद रखने बोला था, ए एल, तो ये नॉर्मली क्या होता है, मीथान, मीथेन होता है ना, मीथेन होता है कि नहीं, ऐसे कार्बन एक होने से, लेकिन ये मिथानेल हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड का ए एल जो है वो यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने याद रखने बोला। ठीक है, तो ये है इसका आईपीएसी नेम। ठीक है, और उसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज योर फॉर्मेलिन, हाँ फॉर्मेलिन। ठीक है, अभी कॉमन नेम का याद रखने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, उसको तुमको याद ही रखना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नंबर डी, कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे है सी, राइट, यहाँ पे कार्बन एटम एक था ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में, तो हमने हाइड्रोजन से फिलअप किया, अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम का हर एक जगह बढ़ाया ना, तो यहाँ पे भी अगर बढ़ाते हैं तो कार्बन एटम एक, तो हाइड्रोजन क्या होगा, तीन, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, दो कार्बन एटम है मतलब इथानेल होगा, राइट, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथानेल, ये एक कार्बन था इसलिए मिथानेल, आईपीएसी नेम इथान, इथेन होना चाहिए क्योंकि दो कार्बन एटम है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है तो एएल। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और HCHO भी लिख सकते हैं, बिकॉज देखो अगर बैक साइड में हम लोग इसको CHO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3-CHO, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, कॉमन नेम दोनों ही लिखो, हाँ कॉपी में हर एक का, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ACETALDEHYDE। ठीक है, नंबर सी, मतलब तीन कार्बन बढ़ाते हैं, ये तो था तुम्हारा मान लो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी एक कार्बन, बाकी एक दो फिलअप करो, एक चला गया तो हाइड्रोजन थ्री, दो चला गया तो हाइड्रोजन दो, ठीक है, और क्या होगा,
CH3, CH2, CHO. तो इसका IUPAC क्या होगा? मीथेन प्रॉप. तो ये हो जाएगा प्रोपानेल. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है. मतलब जब भी तुम ये ग्रुप को देखोगे तुमको याद रखना पड़ेगा कि वो कौन सा ग्रुप के अंदर में है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, और कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इज योर प्रोपायोन एल्डिहाइड. प्रोपायोन एल्डिहाइड. ठीक है, देखो प्रोपा मिथानेल और मिथानॉल में आसमान जमीन का फर्क है. ठीक है, तो बाय चांस अगर एग्जाम में ओल के जगह ए बिठा दिया तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है, इसी को कंपैरिजन करने के लिए हमने ये वाला नहीं पूछा. ठीक है, ये है इथानॉल, OH रहेगा. जब CHO रहेगा तब हो जाएगा इथानेल, एल हो जाएगा, AL हो जाएगा. ये प्रोपानेल, ये है प्रोपानॉल. ठीक है, समझ में आया? ये तीन ही तुमको याद रखना है, और कुछ नहीं चाहिए. नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें? कीटोन पे. कीटोन नंबर 4. ओके, कीटोन इज अनदर फंक्शनल ग्रुप. कीटोन, ठीक है, कीटोन का क्या था? डैश CO डैश. ठीक है, तो देखो उसका तो अलग ही है. मैंने बोला था ए नंबर कि सी डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा ही, दोनों हाथ खाली है. अभी मैंने एल्डिहाइड में क्या बोला था, सिंस ऑलरेडी एक कार्बन था तो हमने हाइड्रोजन से फिल अप किया था. लेकिन यहाँ पे एक कार्बन है बट हम लोग यहाँ इन दोनों को हाइड्रोजन से फिल अप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि फर्स्ट मेंबर ही कार्बन 3 से स्टार्ट होता है. जैसे मीथीन मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही उसका पहला दो मेंबर नहीं होता है हाइड्रोजन, मतलब कार्बन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग एक कार्बन देंगे, यहाँ पे एक कार्बन देंगे, तो ये बॉन्ड एक हाथ चला गया तो तीन, एक हाथ चला गया तो तीन. तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बोलो? अगर कार्बन तीन है तो मीथ इथ प्रोप. प्रोपेन से ये हो जाएगा ONE, प्लस में होना चाहिए क्या? प्रोपेन, तीन कार्बन है प्रोपेन, लेकिन ये ई हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? ONE. तो उसका नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपानोन. ठीक है, ONE कहां से आया? ये लास्ट. तो ये एंडिंग ONE मतलब ये है एक कीटोन. ठीक है, समझ में आया? इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन. एसीटोन बेसिकली कौन सा है? जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है लड़की लोगों के लिए, दैट इज कीटोन. कुछ कीटोन प्रोपानोन. ठीक है, ये है फर्स्ट मेंबर. नंबर 2, अभी देखो कार्बन सी डबल बॉन्ड हो CH3 को इस तरह फिक्स रखते हैं, मतलब वी नाउ कार्बन 3 था, 3 से क्या होगा 4 होगा, तो हम लोग एक तरफ बढ़ाएंगे नंबर ऑफ कार्बन. यहाँ पे इसको फिक्स रखते हैं, ये जैसा था इस पार्ट को फिक्स रखते हैं, इस पार्ट को अगर इंक्रीज करेंगे दिस एंड दिस. ऐसा मत सोचना कि इस पार्ट को इंक्रीज नहीं कर सकेंगे, बट फॉर नाउ फॉर क्लास 10 ऐसा ही याद रखो, एक साइड में रखेंगे, एक साइड पे इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो ये है CH3, ये है CH2. ठीक है, तो IUPAC नेम क्या होगा इसका? मीथ इथ प्रोप ब्यूट. तो ये हो जाएगा ब्यूटानोन, NONE. ब्यूटेन से ई हटा के ONE लगा दो तो ये होगा बीटानो, ब्यूटानो. ठीक है, इसका कॉमन नेम देखो इंटरेस्टिंग है. ये क्या है? एक CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप. ये क्या है? C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप. तो एक है मिथाइल, एक हाथ पे है मिथाइल, एक हाथ पे है इथाइल. अल्फाबेटिकली कौन सा आ गया था? इथाइल ई आ गया था, तो इथाइल. ठीक है, YLE, इथाइल. ये है मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और ये है CO कीटोन. इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन. ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट में अगर देखते हैं 3, तो इसको फिक्स रखेंगे फिर से सी डबल बॉन्ड O और CH3 को फिक्स करता है. यहाँ पे दो कार्बन था, अभी इंक्रीज करेंगे 3, 1, 2, 3. तो यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2. देखो कार्बन के साइड पे दो कार्बन था, अभी यहाँ पे 3 इंक्रीज किया,
राइट हैंड साइड को फिक्स रखा, राइट हैंड साइड को हमने इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, मीट द प्रॉपर पेंट, तो ये होगा पेंटानोन, ठीक है। जितना कार्बन एटम है उसको सिर्फ काउंट करो, मीथित का सीरियल टेबल तो आता ही है, सिर्फ ई हटा के लास्ट में फंक्शन का जो जो नाम है सफिक्स नेम बोलते हैं वो लगा दो आ जाएगा। इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा, ये इस तरफ है क्या मिथाइल ग्रुप और ये है मीथित प्रो, मतलब प्रोपाइल ग्रुप इस तरफ, तो प्रोपाइल ये है पी और ये है एम, कौन सा पहले आता है अल्फाबेटिकली, एम एम एन ओ पी एम, तो इसका हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। ये है तुम्हारा कीटोन, ठीक है। तो हर एक मेंबर का पहला सिर्फ तीन तीन नाम याद रख लो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है, समझ में आया था तो ओके। अभी आते हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, राइट, ये है, या फिर सी डबल ओ एच लिख सकते हो। तो अभी अगर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ए सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच लिखते हैं, तो देखो कार्बन ऑलरेडी है, फिल अप किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। सिर्फ कीटोन में एक्सेप्शन है, लेकिन एल्डिहाइड में भी और इसमें भी सेम है, तो ये हाइड्रोजन हो गया H, ठीक है। अच्छा तो ये है मीथेन, मीथेन है एक कार्बन है तो मीथेन होगा, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, मीथेन से मैंने क्या बोला था, इसको हटा के क्या लिखते हैं O और IC, तो मिथानोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सफिक्स नेम क्या देते हैं, ओइक एसिड, तो ई हटा के सिर्फ ओ आई सी और एसिड लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए आईपीएसी नेम मिथानोइक एसिड, ठीक है। तो मिथानोइक एसिड बेसिकली कौन सा होता है, कॉमन नेम क्या है उसका, फॉर्मिक एसिड, एफ ओ आर एम आई सी। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, एंट कस्टिंग में मिलता है, ठीक है। नंबर बी, यहाँ पे कार्बन है ऑलरेडी, अच्छा इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एच सी ओ एच ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन है, एक कार्बन है और एक लगाया नेक्स्ट है, तो ये सी एच थ्री, तो इसका आई यू पी एस सी की होगा, आई यू पी एस सी क्या होगा, मीट इथ, मतलब इथानोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या होगा, इथानोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर, ठीक है। ये है तुम्हारा एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है, और इन जनरल हम लोग उसको विनेगर बोलते हैं। नंबर सी, कार्बन एटम जब तीन लोग हैं, मतलब एक तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का है ही, और यहाँ पे और दो हो जाएगा, एक दो, तो ये H3, ये है H2, तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, प्रो, तो ये होगा प्रोपानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड ही होगा, इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम सेम रहता है, ठीक है, प्रोपानोइक एसिड, ओके। तो इसका और सेके और उसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, सी एच थ्री सी ओ एच होगा, इसका भी सी एच थ्री, अच्छा प्रोप, सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच, ठीक है, ये है तुम्हारा प्रोपानोइक एसिड। तो इतना तक अगर याद रखोगे तो इनफ, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसका अच्छे से ध्यान रखना कि लास्ट में कौन सा चीज होने से क्या नाम देते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि ये लर्न करो, ठीक है, और किसका क्या एंडिंग होता है वो देख के हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, ठीक है। तो अभी तुम लोग देखो पेज नंबर 237 पे कोल पेट्रोलियम का एक छोटा सा पार्ट है, हाउ कोल वॉज फॉर्म, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, क्लास 8 में किया था, वो एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है, क्योंकि वो
आज जो होमवर्क दूंगा उसमें थोड़ा बहुत चाहिए होगा वो, ठीक है, रीडिंग मान लेना वो इजी है। और शॉर्ट तुम्हारा होमवर्क क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेके 40 तक सारा होमवर्क है। बाकी लोगों ने तो ऑलमोस्ट सबमिट कर ही दिया है, तो तीनों ने नहीं किया तो वो कर, अभी तो समझ में आ गया है 1 से लेके 40 है। देखने में लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन है बट सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, वो सब नहीं चाहिए, वो सब ऑलरेडी नोट्स में लिखा है।